हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। गाइस आज का हमारा वीडियो होने वाला है सभी फास्ट बॉलर्स के लिए। अभी आप मेरे पास देख रहे हैं कितने सारे बॉलर हैं। तीन चीज़ें गाइस जो आज मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपको पेस बढ़ाना है तो गाइस ये वीडियो बहुत ही अहम होने वाली है आप सभी फास्ट बॉलर्स के लिए। इन बॉलों का आपको क्या यूज़ करना है ये मैं आपको लास्ट में बताऊँगा, बट इन बॉलों का बहुत ही अहम यूज़ होने वाला है अगर आपको फास्ट बॉलर बनना है। इनका बॉलों का यूज़ मैं कैसे करता हूँ अपनी बॉलिंग में जब मैं बॉल डालता हूँ, तो ये मैं आपको बताऊँगा। बट उससे पहले तीन ऐसे पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूँ जिससे आपका पेस 100% बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अगर अभी आपका पेस 100-120 जा रहा है तो कैसे आपका पेस 140-150 तक बढ़ सकता है, उसके लिए आपको क्या ड्रिल्स करनी है, क्या वर्कआउट्स करने हैं और कैसे नेट सेशन करने हैं, क्या आपको डाइट शेड्यूल बना के रखना है। वीडियो गाइज बहुत ही अहम होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक के जरूर देखना। और गाइज जिन्होंने अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि और भी वीडियोज आप तक के पहुँचती रहे। और गाइज अभी YouTube पे नया चैनल है, आप लोग के सपोर्ट की ज़रूरत है। जब आप लोग लाइक और कमेंट करते हैं तो गाइज उससे कॉन्फिडेंस आता है। और गाइज आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, हसन अख्तर 12 के नाम से मेरी आईडी, जहाँ पे गाइज आप क्रिकेट से क्रिकेट मुझसे कोई भी सवाल कर सकते हैं। चलिए गाइज अब मैं आपको बताऊँगा तीन ऐसी चीज़ें जिससे आपका पेस, अगर आपका अभी पेस प्रेजेंट टाइम में 120-125 समथिंग आ रहा है तो अभी कैसे आप उसको 140 तक कैसे कैरी कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों के साथ गाइस प्रॉब्लम होती है, उनको पता नहीं होता है क्या वर्कआउट्स करने हैं कैसे वर्कआउट्स करने हैं, तो उनका पेस धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कम होना स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले गाइस करना क्या है आपको, तीन पॉइंट्स में से पहला पॉइंट गाइस क्या है, डाइट। अगर आप प्रॉपर डाइट नहीं लेंगे तो जो अगर आप लंबे लंबे स्पेल डाल रहे हैं, आप अच्छे वर्कआउट्स कर रहे हैं और आप डाइट नहीं लेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स होने वाली है। इसीलिए सबसे पहले बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही अहम है डाइट, क्योंकि डाइट अगर आप अच्छी लेंगे तो आप में पावर आएगी और पावर आएगी तो गाइस आपका पेस बढ़ना स्टार्ट होगा। उसमें गाइस करना क्या है, बहुत ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा महंगी डाइट आप लेंगे तो ही आप पॉसिबल है, आप कम से कम पैसे में भी अच्छी डाइट ले सकते हैं। उसके लिए मैंने वीडियोस बनाई हुई है, वो जाके आप देख सकते हैं कैसे आप 50 रुपीज़ के अंदर आप अपनी अच्छी डाइट ले सकते हैं, जिससे गाइस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है फ्यूचर में आके। क्योंकि गाइस अगर आप अच्छी डाइट नहीं लेंगे तो आपकी जो पावर है वो धीरे धीरे ख़त्म होनी स्टार्ट हो जाएगी और फिर आगे जाके आपको प्रॉब्लम होगी पेस बढ़ाने में। इसलिए बहुत ही ज़रूरी है, सबसे पहले आपको डाइट अच्छी करनी है और प्रॉपर डाइट लेनी है एवरी डे, हर नेट सेशन के बाद, हर वर्कआउट्स के बाद आपको अच्छी प्रॉपर डाइट लेनी ही लेनी है। तो गाइस डाइट के बाद क्या होता है, अगर आप अच्छी डाइट लेंगे तो आप में पावर आएगी, पावर आएगी तो गाइस फिर आपको अच्छे स्पेल डालने में, अच्छी बॉल डालने में मज़ा आने लगेगा। उसके बाद गाइस करना क्या है आपको, जब आप पावर आने स्टार्ट हो जाएगी तो फिर आप लंबे लंबे स्पेल्स डाल सकते हैं। सेकेंड चीज़ गाइस क्या है, क्योंकि बहुत ही अहम है, अगर सेकेंड चीज़ गाइस ये है कि बॉलिंग रनअप, आपका बॉलिंग रनअप आपकी बॉलिंग को लीड करता है। अगर आपका बॉलिंग रनअप अच्छा नहीं होगा तो कभी भी आप एक अच्छी फास्ट बॉल नहीं डाल सकते हैं। कितने भी बड़े बॉलर उठा के देख लिए आप, मोहम्मद शमी देख लिए, बुमराह देख लिए, पैट कमिंस देख लिए, पुराने टाइम में आप ब्रेटली देख लिए और भी बहुत सारे पैट कमिंस देख लिए, जितने भी बॉलर हैं इन सभी का आप रिदम देखिए कितना अच्छा है, इन सबका आप रनअप देखिए कितना अच्छा है, इनका इतना अच्छा रनअप होना ही इनको एक बड़ा फास्ट बॉलर बनाती है। तो बहुत ही ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि आप भी इनकी तरह के अच्छे फास्ट बॉलर बने और आप भी बैट्समैन को डरा के आउट करें, तो बहुत ही ज़रूरी है कि आपका जो रनअप है वो प्रॉपर होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए। अगर आपका बॉलिंग रनअप अच्छा होगा तो आपको लीड करता है आपकी फास्ट बॉलिंग को। अगर अभी आप 120 डाल रहे हैं तो आप हफ्ते से 10 दिन के अंदर आपको धीरे धीरे एहसास होने लगेगा कि हाँ अब आपका पेस बढ़ना स्टार्ट हो गया है। उसके लिए करना क्या है आपको, आप वेट रनिंग कर सकते हैं। जैसे करना क्या है आपको, पीछे आप टायर डाल सकते हैं या कोई भी वेट वाली चीज़ आप डाल सकते हैं। कितने बड़े बड़े फास्ट बॉलर हैं सभी इस रनिंग को करते हैं। इसमें करना क्या है गाइस आपको, आपको वेट डाल के आपको जितने भी ज़्यादा हो सके आपको 15 से 20, 30, 35, 40, 50 जितनी स्प्रिंट आप लगा सकते हैं, जितना आपका रनअप पे आपको उतनी स्प्रिंट लगानी है। तो इसमें गाइस होगा क्या है, जब यहाँ आप वेट डाल के दौड़ेंगे तो आपको थोड़ा मुश्किल होगा, थोड़ा प्रेशर पड़ेगा, बट जब आप विदाउट वेट यानी आप जब वहाँ पे बॉल डालने जाएंगे नेट पे या मैच में तो आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करेंगे और बहुत ईजी आप रनअप पे दौड़ेंगे, जिसका वजह गाइस क्या होगी कि आप अपनी पेस को कैरी कर सकते हैं। क्योंकि जब आप स्मूथ दौड़ेंगे तो आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा रनअप पे, अगर आप रनअप पे बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा देंगे तो फिर आपको पेस बढ़ाने में प्रॉब्लम आएगी। तो सबसे पहले गाइस करना क्या है आपको, डाइट। सेकंड गाइस क्या है कि आपका रनअप, रनअप के बाद गाइस क्या है जो सबसे अहम चीज़ है, वो है आपकी आर्म स्पीड। आर्म स्पीड कैसे बढ़ानी है उसके लिए भी आप यहाँ पर देख रहे हैं मैं ड्रिल कर रहा हूँ, ऐसे ही ड्रिल करनी है आपको। इस ड्रिल में करना क्या है, जब आपकी आर्म स्पीड अच्छी होगी तो आपका ऑटोमेटिक पेस अच्छा हो जाएगा। इस ड्रिल को आपको गाइस करना क्या है, कम से कम हफ्ते में 3 से 4 दिन इस ड्रिल को अगर आप करेंगे तो ही पॉसिबल है कि आपकी आर्म स्पीड अच्छी हो सके। इसको आप नेट से पहले या नेट के बाद भी कर सकते हैं, क्योंकि गाइस सभी फास्ट बॉलर जो होते हैं वो इस ड्रिल को करते हैं, तभी जाके पॉसिबल है कि उनका पेस ऐसे बढ़ता है।
बॉल का क्या यूज होने वाला है ये भी मैं आपको बताऊंगा कि बॉल का कैसे यूज करना है, आपको कौन सी बॉल से बॉल डालना है जिससे आपका पेस और आसानी से बढ़ सके। बॉल का भी बहुत ही अहम रोल होता है आपकी आर्म स्पीड में, आपकी आर्म स्पीड बनाने के लिए बॉल का भी बहुत अहम रोल होता है। बॉल आपको कौन सा डालना है, मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि मेरे पास बहुत सारी बॉल है, मैं आपको दिखाऊंगा कैसी बॉल आपको कब यूज करनी है। स्टार्टिंग में गाइस करना क्या है, आपको कोशिश करनी जब आप नेट स्टार्ट करेंगे बॉल डालने के लिए तो आपको नया बॉल डालना है, बट उसके बाद आपको कैसा बॉल डालना है ये बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी पता होना चाहिए आपको कि नए बॉल के बाद आपको कितना ज़्यादा ओल्ड बॉल डालना है। उसमें गाइस होता क्या है कि बहुत सारे लोग को पता नहीं होता है और नया बॉल डाल के अपना जो उनका बॉलिंग सेशन होता है उसको फिनिश कर देते हैं और जाकर रिलैक्स करना स्टार्ट कर देते हैं, बट आपको ऐसा नहीं करना। अगर आपने 40 बॉल नए बॉल से डाली तो कम से कम आपको 20 बॉल्स ओल्ड बॉल से भी डालना है। उससे क्या होगा, जब आप ओल्ड बॉल डालेंगे तो आपको ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा और ज़्यादा आपकी जो आर्म स्पीड होगी वो उससे ऑटोमेटिक। ये बॉल मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें कितनी बॉल है मेरे पास, अभी मेरे पास इसमें ज़्यादातर ओल्ड बॉल है क्योंकि मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ अपना पीएस बढ़ाने के लिए। अभी आप देख रहे हैं कितनी ख़राब बॉल है, यंगस्टर होंगे तो वो इन बॉलों से बॉल डालना मुझे लगता है पसंद भी नहीं करेंगे, बट अगर आपको पीएस बढ़ाना है तो आपको हमेशा इन बॉलों के साथ वर्क करना होगा। और भी ख़राब बॉल है मेरे पास, अच्छी बॉल भी है बट इससे भी ख़राब क्वालिटी की बॉल मेरे पास है जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। इस बॉलों के साथ जब आप वर्क करेंगे तो आपका पीएस 100% एक हफ्ते से डेढ़ हफ्ते के अंदर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अगर गाइस ये चीज़ें अगर आप अपनी बॉलिंग में ऐड करेंगे तो हफ्ते से डेढ़ हफ्ते में मैंने आपको बताया कि बॉलिंग आपकी स्पीड बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए गाइस, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।